भाई हमारे खास मेहमान आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? तबीयत ठीक है? तो आप एजल के कौन लगते हैं? मामू, फूफा, खालू, क्या? ये आप ही बताएं। तीनों रिश्ते आपके? आपसे भी रिश्ता है, इनसे भी रिश्ता है, बस क्या कर सकते हैं। एजल बड़ी होगी खुद ही बताएगी क्या लगता है। सही है एजल, आप जब बड़ी होगी ना तो बताना ये कौन है। मैं आपको तीनों रिश्ते का बोलूंगी, जिससे आपको ईदी मिलेगी ना तो फूफा भी देंगे, खालू भी देंगे, मामू। सही है ना भाई, तीन रिश्ते से ईदी दोगे ना आप। Okay, let's go. आज हमारे घर आने वाले हैं मेहमान कुछ खास, मतलब जैसे मेरे भी फ्रेंड और इनके भी फ्रेंड, मतलब ये कि एजल के मामू मामी भी हैं, खाला खालू भी हैं, फूफा फूफी भी हैं। बस समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह इंट्रोड्यूस कराऊं उनको, समझ नहीं आ रहा क्या बोल के। खैर जब आएंगे तो आप लोगों को दिखाऊंगा। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त आ रहे हैं मेरे और बाबे के भी, तो इंशाल्लाह उनसे मिलेंगे। अभी फिलहाल उठ गया हूँ, नाश्ता वगैरह सब कर लिया है, आज ही संडे का दिन। एजल जो है आप ही के पास है, आप ही भी आई हुई हैं, तो फिलहाल देखते हैं क्या सीन है। अच्छा जी, मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि काशान भाई आप क्या काम करते हो, क्या काम करते हो, क्या काम करते हो। तो आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं फ्री टाइम में, मतलब पार्ट टाइम क्या करता हूँ। ऑनलाइन में काम करता हूँ एक प्लेटफॉर्म पे, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को भी बताऊंगा इंशाल्लाह, जिससे आप लोग भी फ्री टाइम में घर बैठे बहुत से पैसे कमा सकते हैं। और इसके अलावा आप कंपनी के पार्टनर बन के वीकली सैलरी पे भी काम कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ इंशाल्लाह भी बताता। S9 ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोग गेम खेलकर बहुत से पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप मतलब वीकली सैलरी पे भी भाई उनके साथ काम कर सकते हैं घर बैठे। बहुत ही अच्छी ऑफर है, ये आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कि मैं भाई अपने फ्री टाइम में क्या करता हूँ। तो भाई इस प्लेटफॉर्म पे जाए आप लोग, इस प्लेटफॉर्म पे गेम खेल के भी पैसे कमा सकते हैं, उसके अलावा आप इनसे वीकली सैलरी पे भी इनके साथ काम कर सकते हैं। मगर आप ये जो बता रहे हैं प्लेटफॉर्म, अगर ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जो फेक है, जिसमें हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई देखो, अगर आप लोगों को ओरिजिनल प्लेटफॉर्म चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर खुद को रजिस्टर करो। ये बिल्कुल रियल प्लेटफॉर्म है, इस पे आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा। इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग गेम खेल कर भी पैसे कमा सकते हैं और सैलरी पे भी इनके साथ वर्क कर सकते हैं। तो कुछ डिपॉजिट वगैरह करना है या नहीं? बिल्कुल, थोड़ा सा डिपॉजिट करना है अगर आप गेम खेलना चाहते हैं। 200-300 रुपए आप डिपॉजिट करें, नॉर्मल है तो कर सकता है कोई भी। तो विड्रॉ वगैरह कैसे होगा? भाई विड्रॉ डिपॉजिट तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इजी पैसा या जीएस कैश से आसानी से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं, सिंपल है। और अगर आप लोग अभी रजिस्टर करते हैं मेरे दिए हुए लिंक से तो आपको मिलता है फ्री स्पिन, जिससे आप बहुत से इनामात भी हासिल कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, आईफोन हो गया, बहुत से वीडियो गेम वगैरह हो गए, बहुत सी चीजें हैं जो आप हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं रजिस्टर करूंगी क्योंकि मुझे आईफोन चाहिए। मैं कब से इनसे मांग रही हूँ, मुझे आप आईफोन ही नहीं लाके दे रहे। जैसे आपके उससे रजिस्टर करूँ तो फ्री स्पिन मिलेगा, अगर स्पिन अगर मेरा काम आ गया, मेरा लक लग गया तो लैपटॉप और आईफोन आ जाएगा। कुछ भी आपका नसीब है तो निकल सकता है। खैर ये ऑफर आप लोगों के लिए है, बहुत ही अच्छी ऑफर है। अभी अभी जाए मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से गेम को डाउनलोड करें। S9 गेम है, इस प्लेटफॉर्म पे आप गेम भी खेल सकते हैं और कंपनी ज्वाइन करके उनके साथ वीकली सैलरी पे भी काम कर सकते हैं। तो भाई फ्री टाइम में मैं अपना मतलब ऑनलाइन इसी तरह काम करता हूँ, काफी सारे प्लेटफॉर्मों पे इस तरह ऑनलाइन बहुत अच्छी मेरी इनकम हो जाती है, जिससे मैं अपने अखराजात पूरे कर लेता हूँ, पॉकेट मनी मेरी अच्छी बन जाती है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से जाए, खुद को रजिस्टर करें मेरे दिए हुए लिंक से और बहुत से पैसे कमाए भाई। तो अगर आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं समझ आया तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे, एक एक को समझा देंगे, रियल प्लेटफॉर्म है। तो जाएं भाई अभी रजिस्टर करें, गेम खेल के बहुत से पैसे कमाए, ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना, ठीक है? A few moments later. तो भाई मैं खाने वगैरह से फ्री हो गई, बस वो लोग आ रहे हैं, कशान को लेने गए नीचे, रूम वगैरह भी मैंने सारा साफ कर दिया था, यहाँ से मैंने झूला भी हटा दिया था, अशरफ मान के रूम में मैंने झूला रखवा दिया है और खाना वाने का भी सब कुछ कर लिया, बस वो लोग आते हैं तो उनसे मिलते हैं और आप लोग को भी मिलवाते हैं। भाई हमारे खास मेहमान आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? तबीयत ठीक है? तो आप एजल के कौन लगते हैं? मामू, फूफा, खालू, क्या? ये आप ही बताएं। तीनों रिश्ते आपके? रिश्ता है, इनसे भी रिश्ता है, बस क्या कर सकते हैं। एजल बड़ी होगी खुद ही बताएगी क्या लगता है। सही है एजल, आप जब बड़ी होगी ना तो बताना ये कौन है।
मैं आपको तीनों रिश्ते का बोलूंगी, जैसे आपको ईदी मिलेगी ना तो फूफा भी देंगे, खालू भी देंगे, सही ना भाई? तीन रिश्ते से ईदी दोगे ना आप? वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो किस रिश्ते से, उसकी मम्मा सब सिखा देगी, आप फिक्र नहीं करो। ऐसा सही है, मैं आपको सब सिखा दूंगी बेटा ईदी लेने चलना, सही है भाई? ऐसा तो अनबॉक्सिंग कर नहीं सकती, ऐसा की मम्मा जरूर कर सकती है अनबॉक्सिंग। तो भाई एजल के लिए ये आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मम्मा यूज कर लेंगे। फिडर टूट गया था, फिडर भी आ गया, आप लोगों को पता था आप लोग हमारे ब्लॉग के जो मम्मा यूज कर लेंगी। नहीं जी मैं नहीं कर रही। और एजल के सूट आए हैं, अरे मम्मा पहन ले, आते तो पहन लो, खोल लिया क्या, पूरे पूरे आएंगे अभी, क्या कपड़े लाइयो शुक्र अभी के लाइयो। ऐसा जी नए नए कपड़े आए, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा ऐसा पहना दो अभी आई बात। ओह ये बड़ा है, एक चीज तो बड़ी लाइयो। बहुत प्यारे, थैंक यू सो मच भाई, बहन, खाला, अम्मी, यार हमें देख लो, हम आए यार, अम्मी को देख रही हो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप एजल के लिए गिफ्ट लेके आए, मेरे लिए, मेरे लिए भी ले आते तो अच्छा होता। हमारे टाइम में तुम्हें दे दिया, इसका टाइम मेरे टाइम में मुझे नहीं दिया, देख रही हो, मम्मी ने रख लिया लिफाफा यार मेरी। मुझे थोड़ी दिया, गलत बात नहीं है, यहाँ पर आपने इनको दिया, इनने रख लिया, मुझे क्या मिला। हाँ मुझे मिल गई एजल, अल्लाह का शुक्र। अब हम आएंगे आपके घर, आप लोग घर किस साइड है वैसे? एक बार हम लोग आपके घर के पास गए थे ना, गाड़ी आपने पार्क की थी, यहाँ तुमने उधर बैठे थे ना चाय सिटी पे। हाँ हाँ सही सही समझ गई, वहीं पे ये पीछे उधर ही तो है पंप के पीछे, पीएसओ का पंप है ना, सस्ता मिलता है पंप के पीछे। क्या बात है, लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लेकर आई खाला। खाला की हैसियत से रही हो ना, पप्पो की हैसियत से, पप्पो की हैसियत से कुछ नहीं, पहले खा लो फिर पप्पो ना, पहले तुम, ये पप्पो की हैसियत से, खाला की हैसियत से, और मामी, मामी खुद ही बोल रहे सीरियसली खाना। चलो यार ये वाला आ गया, मैं आपको एक गिफ्ट दे दूंगी कल आपके बर्थडे। ये भी मेरी इधर है, बोलिए मैं सुबह सोती हूँ 5 बजे। हाँ भाई ये पप्पा पे चले गए अब। क्या बुट्टी हो? ये आज ना ठीक है। ऐसे मम्मी के लिए बुट्टी नहीं चाहिए? ये क्या बात है? बहन के घर आ रहे हो आप, सब कुछ अपनी उसको दे रहे हो। इनको दुआई दूंगा ना। फिर मैं भी जब बहन आएगी ना तो भाई को दुआई देगी, फिर अपने उसको ही देगी, बांजी को। सही है, बांजी बांजा नो पता नहीं, अल्लाह बांजी दे। तो भाई बातें बातें तो बहुत हो गई थी, बहुत मज़ा आया, गिफ्ट वगैरह बुलाया उसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लगा है खाना खाने में है, ओए होए दावत हो रही है, मजे हो रहे हैं मेरे भाई के। भाई फर्स्ट टाइम मेरा भाई घर आया, मुझे बहुत खुशी हुई कि जब भाई के, बहन के भाई आते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो हमने खाने का इस्तकबाल किया, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। खाने मैं नहीं बताना, शवरमा है, क्लब सैंडविच है, आलू कीमा है, और ये क्या है, चिकन कढ़ाई है, कढ़ाई आ क्या खाओ, हलवा भी है, हलवा पूड़ी मंगाई थी ना मैंने, नाश्ता भी करके चल जाना। सुबह का नाश्ता तो भाई खाना वाना खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, फिर शायद आइसक्रीम का भी सीन ऑन हो जाए। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया, ये देखो बर्तन चमक चमक करो, बस ये बात में मैं समझ लूंगी। पहले हम लोग कहते हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम कटिंग करती हूँ, पहले आइसक्रीम डालती हूँ, फिर आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो भाई मेहमान हमारे जा रहे हैं, जूते वूते पहन रहे हैं, ओके अल्लाह हाफिज़। डागू लग रहे हो, लड़के बच्चा अगवा करने वाले लग रहे हो आप, क्या कर रहे हो यार दानियाल भाई, पहने नहीं जा रहे? जूते पहन रहा हूँ मैं यार, बिना लेस खोलो जी, अभी से ले लिया, आप भी अभी से ले लेना, ठीक है, ओके दानियाल भाई, इसको अभी से ये सब दिला दो, बोल रही है ये मेरी मम्मा ने दिया ना सब, वो सब ये कशान ने दिलाए, उसको दिखाते रहो जल्दी बड़ी हो जाएगी। चलो सही, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। चलो भाई मेहमान जा चुके हैं, अब मैं थोड़ा काम वाम कर लेती हूँ और फिर केक की अनबॉक्सिंग करूंगी, क्योंकि केक पे कुछ स्पेशल लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इस तरह बोल रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या है कि क्या नहीं है।
अच्छा जी, मेहमान तो जा चुके हैं और मेरी एजल गुड़िया जो है वो भी सो गई है। उसको काफ़ी देर से मैं मेहनत कर रहा था सुलाने के लिए कि सो जाए, तो माशाल्लाह से सो गई है। बहुत तंग कर रही थी सोने के लिए। ये क्या कर रही हो? पता नहीं ऐसा क्या लिखा हुआ है इस केक पे जो बोल के गए जाते थे, केक खोल के देखना है कुछ लिखा। अच्छा, क्या लिखा हुआ केक पे जो दानियाल बोल के गए? केले में देखना। देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। क्या हुआ, खुल नहीं रहा बाबा? खुल गया। क्या लिखा है? एजल की आमद मुबारक। माशाल्लाह, एजल की आमद मुबारक। वाह भाई, थैंक यू सो मच भाई दानियाल एंड लाइबा, आप लोगों ने इतना कुछ दिया मेरी बेटी को, एजल को। ये गिफ्ट वगैरह शुरू में दिखा दिए बाबे ने, ये लेके आए और साथ में एजल का केक। अबे आपके लिए तो कुछ नहीं आया, बेटी के लिए आया ना, वो लोग मेरे लिए आए, मेरे लिए यही बहुत है कि मेरे दोस्त आए मेरे लिए। बिल्कुल, कहाँ आते हैं आजकल दोस्त, कहाँ आते हैं। सही बात है, सही हमारे बात। इतने पुराने दोस्त हैं। तो भाई केक वगैरह देख लिया, केक पे ये लिखा था और ऐसे बोल के गए थे मेरे बारे में कुछ लिखा था। खैर, केक पे बहुत प्यार लिखा, थैंक यू सो मच आप लोग का। चलो मम्मा पापा को तो दिखाएं गिफ्ट वगैरह। आप गिफ्ट उठाओ और मैं केक उठाती हूँ, मम्मा पापा की रिव्यू देखते हैं। आ जाओ, पापा नहीं सो रहे। एजल के गिफ्ट आए जो मम्मा को हम दिखाने लगे। चलो खोलो, बिस्मिल्ला पढ़ो। क्या है? कपड़े हैं। एजल को ये गिफ्ट किया, एक पूरा सेट। उसको पता है मैं फिडर बहुत तोड़ती हूँ, तो फिडर गिफ्ट किया उसने। और एजल के ड्रेस गिफ्ट किए हैं। हाँ, ये सारे अभी आ जाएंगे इसको। ये वाला बहुत प्यारा है ना, ये मेरी चॉइस है, वो प्यारा है, कलर खिलता हुआ है, मगर मुझे ये प्यारा लगा, येलो कलर। और ये केक लाए, इस पे क्या लिखा हुआ है दिखाएं। एजल की आमद मुबारक। अच्छा जी, मेहमानों के जाने के बाद जो एक मेन काम होता है ना, वो इन्होंने कर लिया है फौरन जाते ही। बस अभी गए मेहमान, आधा घंटा हुआ तकरीबन, और जाते ही जो है ये देखो मेरी तबीयत खराब हो गई है। ये अपने आगे सजा लिया इन्होंने क्लब सैंडविच रोल और ये क्या क्या इन्होंने अपने आगे सजा लिया कि मैंने खाना नहीं खाया, मैं खाना खाऊंगी। दवाई मंगवाई। क्या हुआ आपको? नज़ला हो रहा है। तो भाई इनको नज़ला हो रहा है और मैंने अभी इनको लाके दिए दो कुछ टैबलेट नज़ले के लिए। और एजल जो है खेल रही है, पंखा देख रही है। मेहमान आते ना तो एजल ने रोना है, जब मेहमान चले जाते ना तो एजल हंसती है। आप समझ जाए करो ना, मैं उल्टा बोलती हूँ। ठीक है भाई, समझ गया। तो बस भाई, अच्छा आपने खाना है या नहीं? मैं खा लूं? नहीं, आपको मेरा पेट फुल है अल्हम्दुलिल्लाह। झूठ नहीं बोलो, कैमरे के पीछे की सच्चाई। मैंने खा लिया खाना, सच में खा लिया, पेट फुल है, आप खाओ। फिलहाल भाई अब ये खाना वाना खाने लगी है और उसके बाद जो है सोने की तैयारी है। आज जो थोड़ा जल्दी सोना है क्योंकि सुबह उठना है, काम वगैरह। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।